कपास के किसानों के लिए सफेद मक्खी एक बड़ी समस्या थी। सफेद मक्खी से कपास की फसल में 40-50% तक नुकसान होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए जीएसपी लेके आई है SLR 525, जो बना है एक आधुनिक तकनीक से। आइए जानते हैं अपने किसान भाइयों से, जिन्होंने पिछले वर्षों में SLR 525 का उपयोग किया, जिससे उनकी कपास की फसल को फायदा हुआ। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है मंजीत कुमार, गांव बरवाली फर्स्ट, तहसील व जिला सिरसा। मेरा नाम राकेश कुमार, मेरा गांव 11 KSP, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम रणवीर कसवा, गांव मटोरिया वाली ढाणी, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। सभी किसान साथियों को नमस्कार, मेरा नाम दीपक कंबोज है, मेरा गांव ढाणी रामपुरा, तहसील डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम जसवंत सिंह बराड, गांव खोसेवाला, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं पिछले 7 साल से खेती कर रहा हूं। इस बार मेरे पास करीब 14 किले के पास कपास की खेती, नरमे की खेती है, और 6-7 किले के करीब धान की खेती है। मैं पिछले 3 साल से GSP कंपनी का SLR 525 प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने इस बार SLR के 4 स्प्रे करे तो मुझे इसका फ़ायदा आज तक मिल रहा है। अक्टूबर चढ़ने वाला है, मेरा नरमा आज भी हरा भरा है। मेरे आस पड़ोस में नरमे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। मैंने इसकी एक चुगाई कर ली है, जो लगभग मुझे 4 क्विंटल के करीब हुई है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मैं 10-12 क्विंटल नरमा जरूर लूँ, मेरा जरूर नरमा होगा 10-12 क्विंटल के करीब। मैं सभी किसान साथियों को यही अपील करूँगा कि आप भी SLR 525 करिए और अपने नरमे को सफ़ेद मच्छर से बचाइए। जिन मेरे आस पड़ोस में 7 किसानों ने इसकी स्प्रे नहीं करी है, उनका नरमा बिल्कुल ख़राब और पीला हो चुका है। उनके कोई उम्मीद नहीं है 3-4 क्विंटल से ज़्यादा निकलने की। मेरा नरमा आज भी 10-12 क्विंटल का है। मुझे GSP कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने SLR 525 जैसा प्रोडक्ट हमारे किसानों के लिए लाए। और एक ज़रूरी बात मैं अपने किसान साथियों को कहना चाहता हूँ कि मेरे आस पड़ोस में भी कईयों ने मेरे को कहा, और दुकानदारों ने भी कईयों ने कहा, भी SLR 525 करने से नरमा लाल हो जाता है या पत्ते गिरा देता है। लेकिन अगर आप इसे पूरी उचित सलाह के साथ करेंगे तो 1 लीटर 2 ग्राम के हिसाब से अगर आप दवाई डालेंगे और नरमे के अंदर अगर गीलापन है तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। खेत गेवा वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप था। मैंने पिछले 3 साल से मैं लगातार GSP की SLR 525 ही यूज कर रहा हूँ। अब की बार भी मैंने GSP 525 यूज की, जो कि लगातार 3 स्प्रे की है। GSP की SLR 525 जो मैं पिछले 3 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, इसका मेरे को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मेरे खेत के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, और उस पड़ोस के अंदर और पूरे एरिए के अंदर अच्छी न होते हुए भी मेरे खेत के अंदर लगभग औरों से 4-5 क्विंटल बीघे के हिसाब से औसत ज़्यादा आएगी। मैंने SLR 525 यूज की, वाइट फ्लाई से मेरे को टाइम से छुटकारा मिला और मेरा खेत आज भी हरा भरा खड़ा है। अगर किसान भाइयों आपको वाइट फ्लाई से छुटकारा पाना है और अधिक पैदावार लेनी है तो GSP की SLR 525 का ही इस्तेमाल करें। जी, मेरे पास 50 बीघा खेत है, ज़मीन है, जिसमें से मैंने अब की बार 40 बीघा ज़मीन पर नरमे की खेती की है, और नरमे की खेती में अब की बार जो सफ़ेद मच्छर है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा था। इसके लिए फिर मैंने SLR 525 जो बंदूक वाली स्प्रे है GSP कंपनी की, उसके 3 स्प्रे निकाले। उसकी वजह से मेरा नरमा आज 29 सितंबर जब तक चुगने की कंडीशन आई हुई है तब तक देखिए बिल्कुल हरा भरा खड़ा है और कहीं भी सफ़ेद मच्छर का प्रकोप नहीं है। ये स्प्रे मैं पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे हर बार इसका रिजल्ट अच्छा ही मिला है, और पिछली बार भी मेरे नरमा बहुत शानदार रहा था। इस स्प्रे के यूज़ से ऐसा लगा है मुझे कि दूसरों की बदौलत मेरे नरमे की कंडीशन बहुत ही अच्छी है। जहाँ 1 या 2 क्विंटल उम्मीद नहीं है लोगों को होने की, वहाँ मेरा नरमा 7 या 8 क्विंटल बीघे की होने की उम्मीद मेरे को लग रही है। सफ़ेद मच्छर के लिए एकमात्र दवाई SLR 525 GSP कंपनी की है, और ये मार्केट में सर्वश्रेष्ठ है। आज तक की जितनी भी दवाइयाँ या प्रोडक्ट जितने आए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ है। मेरे पास 70 बीघे ज़मीन है, जिसमें से मैंने 35 बीघे नरमा लगा रखा है। मैं पिछले 3 सालों से वाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए GSP की SLR 525 यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और नरमे में चिट्टा मच्छर कंट्रोल रहा। पहली चुगाई चल रही है, जिसमें मेरा नरमा 4 क्विंटल बीघे का आ चुका है। अपने नरमे पर SLR 525 की बरतो करो, चिट्टे मच्छर से बचाओ और ज़्यादा पैदावार पाओ।
किसान वीरो, SLR यूज करते समय हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 100 लीटर पानी में 200 ml दवाई मिलानी है, फिर खेत में नमी होनी चाहिए, और तीसरा इसमें कोई खाद या अन्य दवाई नहीं मिलानी है। बहुत सारे नरमे तो वाइट फ्लाई के कारण ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन हमने GSP कंपनी का एक प्रोडक्ट है SLR 525, ये आप देख सकते हैं, इसकी लगभग अपने नरमे के अंदर 4 स्प्रे रूटीन के अंदर की है, और इसकी बदौलत आज जो हमारा नरमा है वो लगभग पूरी हरियाली के अंदर है, हरा भरा है, और लगभग जो नरमा है वो 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ जो उसका झाड़ है आप देख सकते हैं, पूरी हरियाली है इसके अंदर। और नरमे की जो एवरेज हमने पहली चुगाई की है वो लगभग 4 क्विंटल की है, और अभी भी इसके अंदर बहुत सारा टिंडा है, आप देख सकते हो नरमे के अंदर लगभग जो नरमे की एवरेज हम मानते हैं 12 से लेकर 14 क्विंटल तक प्रति एकड़ जो इसका झाड़ निकलेगा। तो सभी किसान साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि वो SLR 525 GSP कंपनी का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको आप अपने खेतों के अंदर इसका छिड़काव कर सकते हो। प्रति लीटर आप इसका 2 ml यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक एकड़ के अंदर हम 150 लीटर पानी डालते हैं तो 300 ml आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही शानदार रिजल्ट मिले हैं दोस्तों SLR 525।